टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया हमारे साथ इस समय मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। वंदना, पहले तो सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हैट्रिक लगाई वहाँ पर, किस तरह के भाव थे वहाँ पे हैट्रिक लगाने के बाद? एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हॉकी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीम गेम है, तो उसमें मतलब हमारे हर एक प्लेयर का रोल होता है और हर एक के रोल से हमारा टीम गेम बनता है। लाइक कोई डिफेंस में अच्छा होता है, कोई अटैक में अच्छा होता है। मैं भी एक फॉरवर्ड प्लेयर हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे मतलब पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट बनाना है और मतलब अच्छे पासिस देने हैं। तो ये पूरी टीम का सपोर्ट था कि जो मैं हैट्रिक कर पाई हूँ, तो ये श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देना चाहती हूँ। जैसे कि आप मैच हारे, उसके बाद किस तरह से ड्रेसिंग रूम में जो माहौल था, कितना एक दूसरे को आपने सपोर्ट किया वहाँ पर? हम लोग जब मैच हारे तो हम लोगों में यही था कि मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा सैड थे कि हम लोग कंटिन्यूसली मतलब मैच हार रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सैड थे। लेकिन इंग्लैंड मैच के बाद में हमारी जो मीटिंग्स हुई थी, वो दो दो घंटे की मीटिंग्स हुई थी, उनमें हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि हम लोग जो कि हम लोगों का आगे वाले मैचों में दिखा है, जो आगे मैच खेले थे हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने खुद आपको फ़ोन किया, खासकर आपसे बात करी और आपका हौसला बढ़ाया, उसके बाद किस तरह का महसूस किया, कितनी एनर्जी उसके बाद आप सबको मिली? एक्चुअली जब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल का मैच हारे थे, हम लोग बहुत क्लोज थे मेडल के, तो वो हम लोगों को यही था कि हम लोग जीत जाएंगे, मतलब हम लोगों ने इतना एफर्ट किया उस चीज़ के लिए तो हम लोग जीत जाएंगे, तो इतना इमोशनल था। हम मेडल के बहुत ज़्यादा करीब थे, हम लोग मेडल नहीं ले पाए, पर जैसे कि हम लोग ग्राउंड के अंदर रो रहे थे, पूरा देश उस दिन रो रहा था, तो सर को, पीएम सर को भी लगा कि हम, सर ने बहुत हौसला बढ़ाया सभी का, मेरा नहीं पूरी टीम का, स्टाफ का, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, शायद हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है कि हम लोग हार के भी हम लोगों ने देश का दिल जीता। भले ही आप मैच हारे, लेकिन उसके बाद जो आपका भारत में स्वागत हुआ, एक गोल्डन मेडल लाने से बढ़कर जो है आपका स्वागत किया गया, उसको बाद आपको देश की प्रतिक्रिया कैसे मिली, कैसा लगा उसके बाद यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा, और फर्स्ट अभी घर भी आए, दिल्ली भी आए, तो इतना ज़्यादा अच्छे से वेलकम हुआ। रोड रोड पूरा जाम है, मतलब फैंस की इतनी ज़्यादा लाइन की हॉकी और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा, नहीं हॉकी नहीं लेकिन सभी स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत प्लेयर्स निकलेंगे। एक पर्सनल सवाल, जब वहाँ पे आप मैच हारे, उसके बाद आपके घर के पास जो है पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की गई, किस तरह का महसूस हुआ आपको? और जहाँ तक कि मैंने, हमें पता है आप उन्हें सपोर्ट भी करती थी, उन लड़कों को हॉकी इत्यादि भी दिया करती थी, किस तरह का लगा? या एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकती। ये अपना आगे का क्या प्लान है आपका फिलहाल? आगे का प्लान है कि मुझे मतलब अभी हमें और पूरी टीम को अभी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर है, तो उनकी तैयारी करनी है। तो ये थी हमारे साथ हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, जिन्होंने बताया कि आगे किस तरह की वह तैयारी कर रही हैं। सुमेश खत्री, ईटीवी भारत, हरिद्वार।